अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्यों सलमान खान जैसा कोई बॉलीवुड एक्टर नहीं हो सकता। वेल, ये तो आप जानते ही होंगे कि अक्सर लोग जब दूसरों की मदद करते हैं तो कैमरास को ऑन रख लेते हैं, फिर चाहे वो किसी की जान ही क्यों ना बचा रहे हो। लेकिन बात अगर सलमान खान की जाए तो सलमान जब किसी की मदद करते हैं तो कैमरास को घर पर छोड़ कर आते हैं। सलमान कई बार तो पता तक नहीं लगने देते कि वो किस तरह सामने वाले का सहारा बन गए हैं। सलमान खान सिद्धार्थ शुक्ला के चले जाने के बाद रीटा माँ को कॉल करते थे, लेकिन किसी को पता नहीं था। सलमान ने राखी की माँ के इलाज का पूरा खर्च उठाया, लेकिन जब तक राखी ने नहीं बोला तब तक ये भी किसी को पता नहीं चला। जब बॉबी डियोल को डिप्रेशन हो गया था तो सलमान खान ने न केवल उनकी मदद की बल्कि उन्हें काम भी दिया। ये भी तब तक किसी को नहीं पता चला जब तक खुद बॉबी डियोल ने इस बात का खुलासा नहीं किया। वहीं कोरोना काल के दौरान सलमान खान लगातार कोविड वॉरियर्स के लिए खाना पहुंचाते रहे। एक 18 साल के लड़के जिसके पिता की कोविड में जान चली गई थी, उसकी भी सलमान खान ने मदद की। जब सरोज खान को बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई काम नहीं मिल रहा था, तब सलमान खान ने सरोज खान से कहा कि आप मेरे साथ काम करेंगी। हालांकि सलमान खान और सरोज खान के रिश्ते अच्छे नहीं थे। वहीं फिल्म राधे के जरिए भी सलमान खान ने कोविड पेशेंट्स की मदद की थी। ऐसी कई सारी खबरें अलग अलग समय पर सामने आती हैं, लेकिन जब सलमान किसी की मदद करते हैं या किसी का सहारा बनते हैं तो वहां कैमराज लेकर नहीं जाते। वेल, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। आप लोग जानते ही होंगे कि सलमान खान अपनी 90% इनकम चैरिटी में देते हैं, सिर्फ 10% इनकम को पर्सनल यूज के लिए रखते हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि सलमान की एनजीओ बीइंग ह्यूमन कई अनप्रिविलेज्ड बच्चों की एजुकेशन और हजारों लोगों की हेल्थ केयर का जिम्मा हर साल उठाती है। दोहरा दें कि अलग अलग सोर्सेस से ये खबर रिवील हो जाती है, लेकिन सलमान कभी कहीं कैमरा लेकर नहीं जाते और यही सलमान की सबसे अच्छी बात है। फाइनल कट, न्यूज़ डेस्क।